नमस्कार दोस्तों, मैं मंग तिवारी स्वागत करता हूँ फिर का आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। आज आपका टॉपिक है टीचर्स। वैसे तो इस शख्स में इतनी ताकत होती है कि ये समाज को विध्वंस कर सकता है, समाज का निर्माण कर सकता है। यही वो शख्स है जो डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, IAS ऑफिसर बनाता है, कारपोरेट में ले जाता है। बच्चे को सब कुछ बनाने की कला इसमें होती है। ये ना बच्चे को उस चौराहे पे ले जाके खड़ा कर देता है जहां से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और चलने का तरीका सिखा देता है। लेकिन अगर वो वास्तव में टीचर है तो मैं मंग तिवारी सबसे पहले उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज तक मैंने जहां जहां काम किया सब जगह मैंने हर व्यक्ति से प्रेरणा ली और मुझे सबने सब कुछ सिखाया। मैंने जहां काम किया था या मैं जहां काम कर रहा हूं वहां भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे जूनियर टीचर सहपाठी जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे साथ वाले सब मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं और सब हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमेशा कुछ न्यू करने का, कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार तो मैं बच्चों का हूँ, सबसे ज़्यादा उन बच्चों का जिनके आज मैं साथ नहीं हूँ, उन बच्चों का भी जिनके आज मैं साथ हूँ। इन सभी बच्चों ने मुझे टीचर बनाया है। मैं एक साधारण सा बच्चा था, एक साधारण सा व्यक्ति था। मुझे अगर शिक्षक की गरिमा मिली है तो इनके सम्मान और प्यार की वजह से। इस सम्मान और प्यार का मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा और हमेशा प्रयास करूंगा कि अगर मैं आप सबके जीवन में बहुत बदलाव ना ला सकूं तो कुछ बदलाव लाने का प्रयास मेरा हमेशा रहेगा। ऑलवेज मैं चाहूंगा कि आप कुछ तो बदलें, हमेशा कुछ बदलें, क्योंकि आपका हम पर बहुत एहसान है। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि भगवान ने हमें यह मौका दिया है कि हम कुछ तो किसी को सिखा सकें। अब आइए हम टीचर्स की बात करते हैं। टू टाइप के टीचर्स होते हैं, एक वो जो टीचर बनने के अलावा कुछ करना नहीं चाहते और जो बहुत कुछ करना चाहते थे गलती से टीचर बन गए हैं। एक के लिए शिक्षक बनना जरूरी था, एक के लिए शिक्षक बनना मजबूरी थी। ये दोनों की कार्यशैली अलग अलग होती है। एक ऐसे शिक्षक होते हैं जो पहले क्लास में आते हैं तो बच्चों से कनेक्ट होते हैं, उनसे जुड़ते हैं और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिलेबस तो सब पढ़ाते हैं, यही तो उनकी ड्यूटी है, सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी डालते हैं, उन्हें बोलने की कला बताते हैं, जीवन में क्या करना चाहिए ये बताते हैं, शिक्षक से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई ये भी वो बताते हैं। वो झुक जाते हैं, वो बताते हैं हमने यहाँ यहाँ गलती की, बेटा आप ये गलती मत करना, मैं भी ये करना चाह रहा था लेकिन मैंने ये गलती की इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, आप ये मत करना, नहीं आप भी ये नहीं कर पाओगे। एक ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे उन्हें प्यार करते हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो भी बच्चों से हमेशा अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते हैं। हमेशा किसी बच्चे से गलती होती तो वो चिल्लाते भी हैं, डांटते भी हैं और प्यार से समझाते भी हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करके सॉरी भी बोलते हैं, क्योंकि यही तो कला है शिक्षक की। अगर वो खुद नहीं झुकेगा तो बच्चे को झुकना क्या सिखाएगा। दूसरे ऐसे टीचर होते हैं जो क्लास में जाके जुट जाते हैं, अपना सिलेबस पढ़ाया, आज साथ साथ बताते भी हैं स्पीक इन इंग्लिश और किसी को बोलने नहीं देते। मेरी क्लास में कोई बोला ना काट डालूंगा और फिर कहेंगे स्पीक इन इंग्लिश, मेरी क्लास में कोई बोला ना काट डालूंगा, अच्छा बोलना सीखो, मेरी क्लास में कोई बोला काट डालूंगा, संस्कारी बनो, तमीज सीखो, और खुद गुटखा चबाए रहते हैं, अपना दारू पीते हैं। बच्चा सिगरेट पिए तो बुरा, अपना गुटखा खाएंगे, बच्चे ने गुटखा खाया तो बदतमीज। हम किसी काम को खुद नहीं छोड़ते, दूसरे से छुड़वाना चाहते हैं। हम गुटखा खा के कहते हैं अब गुटखा खा टूटा से मारा, सुनने में हंसी सी आती है, मतलब खुद कर रहे हो दूसरे को ना करने की सलाह दे रहे हो, अजीब सी बात नहीं लगती है। आपको लगता है आप शिक्षक हैं, ऐसा करने के बाद भी आप शिक्षक हैं। अरे जो व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं बदल पाया वो संसार का निर्माण क्या खाक करेगा, जो व्यक्ति खुद में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता वो बच्चों में क्या खाक परिवर्तन लाएगा। जिस व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की चिंता नहीं है वो बच्चों से सम्मान क्या खाक करवाएगा। जिस व्यक्ति से अपने को प्यार नहीं है, अरे पहले बच्चों से प्यार पाना है तो प्यार करो, उनमें भी अपने भाई बहन अपने बच्चे की छवि देखो, वो भी किसी के बच्चे हैं। जिस कला से हम गुजरे हैं, जो हमने अपने जीवन में किया, वही तो वो भी कर रहे हैं ना, वही तो वो भी कर रहे हैं। मुझे कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिला, नहीं सिखा पाया, आज तुम भी अच्छे शिक्षक नहीं सिखा पा रहे हो, क्या कर रहे हो ये, आप बच्चों को अपनी नाकामी बता रहे हो,
कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, मैं गलती से टीचर बन गया, आज मुझे कोई नया पैसा मिले मैं इसको छोड़ दूंगा। दुनिया में सबसे बेकार पैसा यही है क्योंकि इसमें पैसा कम है। नहीं, पैसा बहुत है, बहुत सारा पैसा है, आप में नॉलेज की कमी है। आप या तो नॉलेजफुल नहीं हो, या तो आपके अंदर ज्ञान नहीं है, या तो आपके अंदर क्षमता नहीं है। दोनों को बढ़ाओ ना, नॉलेज बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, पैसा स्वयं आएगा, अपने आप आएगा। यार संसार में पैसा किस काम में नहीं है, जूता भी पॉलिश करने में अथाह पैसा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में कह रहे हो पैसा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जिस काम को आप कर रहे हो ना, उसी काम को करके, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो उसी क्लास को पढ़ा करके, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो ना उसी सब्जेक्ट को पढ़ा करके, पता नहीं कितने लाख लोग कितने करोड़ रुपए कमा रहे हैं, पर मंथ कमा रहे हैं, और तुम 5,000 कमा रहे हो, और फिर भी तुम अपने आप को विद्वान समझ रहे हो। तुम में उनमें अंतर पता क्या है? अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। हर एक छोटे बच्चे से वो सीखते हैं और तुम हर एक बड़े व्यक्ति से भी नहीं सीख पाते हो। वो हमेशा कहते हैं कि आई एम नॉट प्योर पर्सन, और तुम हमेशा कहते हो मुझसे बड़ा विद्वान सारा दुनिया में कोई नहीं है। वो हमेशा बच्चों को जीना सिखाते हैं, तुम हमेशा बच्चों को बांध के रखते हो। वो बच्चे को बच्चा बनाते हैं, तुम बच्चे को बैल बनाते हो। यही अंतर है तुम में और उनमें। वो ये नहीं देखते कि मैं कितना नॉलेजफुल हूं, वो ये देखते हैं कि मैंने बच्चे को कितना नॉलेजफुल बनाया। उनको पता है बच्चे गलती करेंगे, बच्चे गलती करते हैं, उन्हें गलत सही का ज्ञान कहाँ होता है। जो उनको सही लगता है वो सही, जो उनको गलत लगता है वो गलत। आप तो शिक्षक हो ना, आपको तो ज्ञान है। बच्चे को भी गुस्सा आया, नाप झनाप बक दिया, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने नाप झनाप बक दिया, दोनों में क्या अंतर? ना तुम बच्चे का सम्मान कर रहे हो, ना बच्चे तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। जो अन्य बच्चे क्लास में बैठे हैं उनके नजर में भी तुमने अपना सम्मान खो दिया, उनके नजर में तुम्हारा कोई भी सम्मान नहीं है, जान के अपने सम्मान को खो रहे हो। और फिर तुम कह रहे हो बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते, फिर तुम कह रहे हो कि लोग टीचर्स को हीन भावना से देखते हैं। क्यों ना देखें? आपने किसी पेरेंट्स के बच्चे में कौन सा गुण डाल दिया जो बच्चे आपका सम्मान करें, पेरेंट्स आपका सम्मान करें? क्यों करें? आप पढ़ाते हो, पैसा ले रहे हो, इनफ, कुछ तो एक्स्ट्रा दो। सिलेबस पढ़ाने का पैसा लेते हो, सिलेबस पढ़ा देते हो, बच्चों में कुछ तो गुण दो। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का सब्जेक्ट नहीं देख रहा, नंबर नहीं देख रहा, वो अपने बच्चे में संस्कार देख रहा है। हमारे बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ? बच्चा पहले बदतमीज था, आदमी बदतमीज है, उसके बाद आपको लगता आपने सिखा दिया। अगर आपका पढ़ाया बच्चों को समझ में नहीं आता तो आप बच्चों को मत बदलिए, अपने पढ़ाने के तरीके को बदलिए, क्योंकि आप में कमी है ना। आप तो बच्चे को पनिश करने लगते हैं, आप कहते हैं नकारा है बच्चा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो कुछ करने के प्रोत्साहन में भी है ना तो आप कुछ नहीं करते। हाँ, मैं ये नहीं करता कि सारे बच्चे इतने प्यारे होते हैं, कुछ बच्चे नटखट होते हैं, लेकिन इसका ये स्वभाव नहीं कि मैं भी उनके साथ बदतमीज बन जाऊं। मैं उनको सिखाने का, मैं उनको बदलने का प्रयास तो कर सकता हूँ, मैं बदलने का प्रयास करता हूँ। कैसे? क्लास में उनकी बेइज्जती कर देता हूँ। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सारे कामों को छिपाते हैं, मैं उनकी बेइज्जती क्लास में यूं ही कर देता हूँ। तो उनकी बेइज्जती हो जाती है ना तो खाक किसी से नहीं डरते हैं, खुन्नस में आ जाते हैं, कर लो जो करना है, अब तो मैं यही करूंगा। फिर वो आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते। आप वही काम अकेले में बताइए ना, उस बच्चे को रोकिए। गलती पे पनिश करना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलती का एहसास दिला देना इंपॉर्टेंट है। एक बार बता दो कि उसने गलती की, अगर बच्चे को गलती का एहसास हो गया ना, ऑटोमेटिक को गलती करना छोड़ देगा, और गलती करना छोड़ेगा नहीं अभी तो तुम्हारा सम्मान इतना करेगा तुम सोच नहीं सकते हो, भगवान के बराबर तुमको मानेगा। अभी भी बच्चे गुरु को भगवान की संज्ञा देते हैं, अभी भी देते हैं। हमें बताऊं, हमारे एक हिंदी के सर थे, हमेशा जब क्लास में आते थे ना, पहले हम बच्चों से दो चार बातें करते थे, हमें अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाते थे, अच्छी बातें बताते, स्टोरी का मतलब कहानियां नहीं सुनाते थे, हम लोगों को सिखाते थे, हमेशा टॉपिक देते थे बोलने के लिए, हम सब अपने विचार व्यक्त करते थे। हमसे कहीं गलती हो जाए ना, हम लोग हमेशा कहते सर ये मिस्टेक हो गई, वो हमें बताते थे कि गलती सुधारो कैसे। मारते नहीं थे, पनिश नहीं करते थे, डराते नहीं थे, हम सब उनका सम्मान करते थे। वो भले बिरादरी में हमसे नीचे थे, वो कास्ट में हमसे नीचे थे, लेकिन हमारे लिए ईश्वर के तुल्य थे। हमेशा हम लोग झुककर उनको प्रणाम करते थे, यहां तक कि क्लास की लड़कियां भी जबरदस्ती उनका पैर छूती थी। हम सबके लिए आज भी वो अतुलनीय है, आज भी वो हमारे लिए सम्माननीय है, आज भी हमारे लिए पूजनीय है। कहीं मिल जाए वो गुरुजी, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर है। हमेशा झुक के समर्पित रहता हूं, हम नहीं, क्लास का हर बच्चा समर्पित रहता है। उन्होंने क्या दिया? हमारे अंदर जो संस्कार है ना, उन्होंने निहित किए हैं। हमें उठने का तरीका बताया, बैठने का तरीका बताया, सोने खाने पीने बात करने का तरीका बताया। वहीं एक दूसरे सर थे जो आते आते टॉपिक पे शुरू हो जाते थे, वो बोलते थे स्पीक इन इंग्लिश,
और क्लास में इनको कोई बोल नहीं सकता था, नहीं मारना शुरू कर देते थे। आज भी उनका सम्मान है, लेकिन वो मिलते हैं तो हम लोग को याद आ जाती है कि यही बंदा है जिसकी वजह से आज हम लोग कुछ नहीं सीख पाए। नहीं, हम लोग को इंग्लिश अच्छी आती है, अगर हिंदी की तरह इंग्लिश पढ़ाता ना, हम लोग इंग्लिश बोल लेते। वो हमेशा सिद्ध करते हैं कि हम गुणवान हैं, हमसे बड़ा टैलेंटेड कोई नहीं है। इसका क्या महत्व है? क्या महत्व है बताइए आप, इसका क्या महत्व है? अगर आप खुद के ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे ना, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। लोग अपने मतलब से लोगों को पसंद करते हैं। मैं आपको लाइक इसलिए करूंगा क्योंकि आपसे मुझे कुछ मिले। मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, तुम साला किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगा? पहले बच्चों के दिलों में सम्मान पाना है ना, तो उनके दिलों में जगह बनाइए, एक स्थान निर्धारित करिए, उन्हें रियलाइज कराइए कि आप उनके परिवार के एक सदस्य हैं। बच्चा गलती करता है तो किसको बताता है, बताइए आप? दो लोगों को ना, एक अपने पेरेंट्स को, एक अपने टीचर्स को। अपने पेरेंट्स को मैक्सिमम बच्चे बताते नहीं है, अपने दोस्तों से बताते हैं। अब उनके दोस्त उनके ही उम्र के होते हैं, उनकी क्लास में पढ़ते हैं, तो उन्हें क्या निदान बता पाएंगे? वो तो ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जो उनको और समस्या में डाल देगा। आप ऐसे बनिए कि बच्चा अपनी छोटी से छोटी समस्या आपसे बता दे। गलती करना स्वाभाविक है, गलती करते करते अपराध भी करेगा, स्वाभाविक है। लेकिन आप शिक्षक हैं, आप शिक्षा दीजिए, आप बताइए ना, उससे अकेले मिलिए, उसकी समस्या सुनिए, उसको उसका निदान बताइए, सॉल्यूशन बताइए। नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, सीख के बताइए। आप नहीं सीखेंगे तो बच्चे को कहां से सिखाएंगे? आप उतने ही ज्ञान में उसको बेवकूफ बना रहे हैं, उतने बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ नया आ गया तो आप झिलमिला जाते हैं, एकदम से पगला जाते हैं, हड़का देते हैं उसको, कि अपनी योग्यता दिखाने लगते हैं, अपनी पावर दिखाने लगते हैं। फिर आप कहते हैं मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, हम शिक्षक हैं। इस पैसे को मत करना, बहुत बेकार पैसा है, इसमें कोई इज्जत नहीं है, बनानी पड़ती है। आप सौभाग्यशाली हैं, दुनिया में कोई ऐसा पेशा है नहीं, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जहां आप किसी के जीवन पर कोई प्रभाव डाल सकें। केवल शिक्षक एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन से दूसरे के जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। आपका निजी जीवन शिक्षक बनने पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सोच रहे हैं ना, आपकी निजी जिंदगी, आप जो मन चाहे वो करो, क्यों? अगर ऐसा करना तो शिक्षक क्यों बने? आपकी निजी जिंदगी, एक एक चीज को बच्चे कॉपी करते हैं, आपको आइडियल मानते हैं, और आप बेहतर नहीं हो तो बच्चों से बेहतर होने की कल्पना क्यों करते हो? आप गुटखा खाते हो, बच्चों से क्यों धूम्रपान मिश्रित रहने की कल्पना करते हो? आप सिगरेट पीते हो तो बच्चों से क्यों कल्पना करते हो वो नहीं पिएंगे? आप गाली देते हो, आपको क्या पता बच्चे गाली देंगे कि नहीं? आप बच्चों को डरा के बिठाते हो, मार के बिठाते हो, तुम्हें क्या लगता है बच्चे आपका सम्मान करते हैं? बच्चे आपको ना भूत मानते हैं, भूत, ऐसा भूत जिससे वो डरते नहीं है, गुस्सा करते हैं उस पर, नोचने का मन करता है उनको, वो आपकी पढ़ाई एक बात नहीं समझना चाहते, डर के मारे पढ़ लेते हैं बस। ऐसी रटने वाली विद्या का क्या काम भाई? आज तुमने रटा था, क्या कर रहे हो? नौकरी तो कर रहे हो, नौकरी तो कर रहे हो, अच्छे से शिक्षक बन पाए नहीं बन पाए, आज तुम उनको रटा रहे हो, वो क्या करेंगे? वो भी आगे चल के छोटी मोटी नौकरी करेंगे, क्योंकि तुमने उनके अंदर संस्कार ही नहीं डाले हैं, तुमने उन्हें अच्छा प्राणी बनाया ही नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं नहीं बनना चाहते हो। पहले अपने आप को परिवर्तित करिए, बच्चे स्वयं आपको देख के परिवर्तित हो जाएंगे। स्वतः विनोबा भावे ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जिंदगी में आप कितना बदल गए हो, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी जिंदगी से जुड़ के कितने लोग बदल गए हैं, कितने लोग बदल गए हैं। पहले आप बदलना सीखिए। आपको भगवान ने एक औधा दिया है, एक बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल प्रोफेशन पे आपको पहुंचाया है, तो मैं मानता हूं प्लीज आप अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें और बच्चों को अपने परिवार की तरह प्यार करें। यकीन मानिए, प्रत्येक बच्चा दिल से आपकी इज्जत करिए, दिल से इज्जत करेगा, करेगा ही करेगा। आप बच्चे की भावनाओं को टच तो करिए, आप वो क्या सोच, आप अपनी सोच उस पर थोपते हैं, आप उसकी सोच समझते नहीं है, आप उसकी जगह पे खुद को ले जाके समझिए बच्चा आपसे क्या चाहता है। आप जबरदस्ती अपनी चीज उस पर थोपते हो, पहले आपको देखो बच्चा क्या चाह रहा है, उसका क्या लेवल है, फिर उससे मिलो, उसको समझाओ। मैं मानता हूं बुरे से बुरा बच्चा भी पक्का समझेगा। अगर वो ना समझा ना, तो अपने स्टूडेंट लाइफ के बाद तुम्हारा एग्जाम्पल जरूर देगा। वो कहेगा एक बंदा था, हमें हमेशा सिखाता था, मैं नहीं सीख पाया क्योंकि मैं गधा था, लेकिन बहुत अच्छा बंदा था, हमेशा मुझे सिखाता था। अगर आप बच्चे के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, ना आपका कोई सम्मान होगा। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बच्चों को बच्चे की तरह पालिए, उनसे प्यार करिए, उनसे जुड़ के देखिए, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको शिक्षक बनाने में सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ है, सबसे बड़ा। और फिर ये तो आपकी जीविका है, आप इसे मजबूरी नहीं जरूरी समझ के करिए ना, फिर देखिए कितना मजा आता है। आप ट्राई करिएगा, शायद आपको मेरा यह सुझाव पसंद आए। अगर कोई कमी हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं इतना गुणवान नहीं कि शिक्षक में शिक्षा डाल सकूं।
लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव शेयर किए हैं, शायद ये आपके काम आ सकें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो अन्य उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें आपको लगता है कि ये शायद बेहतर शिक्षक नहीं है या मुझे या मेरे वीडियो को देख करके कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।